स्लोप इज इक्वल टू टू बाय थ्री बाय टू ना वट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या सी भी कह सकते हैं वेर एम इज इक्वल टू स्लोप एंड दिस इज वट डी इंटरसेप्ट दिस इज वट डी सिमिलर इक्वेशन वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू वेर थ्री इज नथिंग बट डी स्लोप एंड देर फोर सी थ्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैज इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सेज y is equal to mx plus b, x upon a plus y upon b is equal to 1, x square plus y square is equal to 1, none of this. This is what the line which has intercept on x and y axis and the equation of such a line is nothing but dx upon a plus y upon b is equal to 1 and therefore, b is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन वेन दी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन इज माइनस वन देन दी लाइन्स आर पैरल टू इच अदर पर पेंडिकुलर टू इच अदर बोथ आर पैरल टू वाई एक्सिस इसमें सबसे गलत जवाब सी और डी को इलिमिनेट करेंगे जो की सबसे गलत जवाब है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी परेशन टू स्ट्रेट लाइन्स है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है जिनका स्लोप एम वन और एम टू है तो उस टाइम पे एम वन इज इक्वल टू वन अपॉइंट एम टू या एम टूज इक्वल टू वन अपॉइंट एम वन अभी देखिए ये दोनों ऑप्शन जो है वो सेम ही है इसलिए इसको इलिमिनेट करेंगे एम वन इज इक्वल टू एम टू एम वन इज इक्वल टू माइनस एम टू एंड द करेक्ट आंसर इज देखिए दो लाइन है इनका स्लोप जो है वो सेम ही रहेगा अंडर फोर सी एम वन इज इक्वल टू एम टू इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द क्वाड्रेंट डैश 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 बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर नेगेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ So, these are what the quadrant first, second, third and fourth and these are what the x and y axis where both negative are found in third quadrant okay and therefore, c is the correct answer. Next question, a line of equation 3y minus 9x minus 12 is equal to 0 will have dash 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 the slope 3, 6, 9, yeah 4. ये इतना सिंपल भी सवाल नहीं है जिसमें डायरेक्टली हम नाइन को आंसर कर सके वाई बिकॉज इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाईज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और यहां पे थ्री वाई है इसलिए उसको वाई के टर्म में लाना जरूरी है अगर हम हर एक चीज को थ्री से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट द इक्वेशन वाई माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो ओके सो अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर देन एम इज इक्वल टू स्लोप एंड देर फोर थ्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन The slope of line is 3 and intercept is minus 1, then the equation of line is and the options are y is equal to 3x plus 1, 3x minus 1, minus 3x plus 1, y is equal to x minus 4. So, this is also one of the simple question where slope is 3 and intercept is equal to minus 1 and therefore, b is the correct answer. Next question, which point lies only on y axis? Minus 3, 0, 3, 0, 0 minus 3 or 3 minus 3. अगर कोऑर्डिनेट्स को लिखना आपको पता है सो हियर पॉजिटिव वैल्यूज हियर निगेटिव हियर ऑल्सो निगेटिव एंड हियर पॉजिटिव जीरो अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो अनदर टर्म जो है वो माइनस की अगर होगी सो सी इज द करेक्ट आंसर इफ टू स्ट्रेट हैव सेम स्लोप देन दिस आर क्लासिफाइड एज डैश डैश स्टेट लाइन या वर्टिकल तो नहीं परपेंडिकुलर या पैरल सो so, आप देख सकते हैं कि अगर पैरल लाइन है तो इनका स्लोप जो है वो सेम ही है एंड इज द करेक्ट आंसर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच